दोस्तों कैसे हैं आप सब? मजे में? हाँ, तो चलो आज हम देखेंगे पाठ 11, सच्चा बालक। पाठ का प्रकार है जीवन प्रसंग। जीवन प्रसंग यानी कि किसी व्यक्ति के जीवन में बने हुए महान प्रसंगों का निरूपण किया जाता है। तो इस पाठ में एक सत्य के प्रसंग का निरूपण किया गया है। इस जीवन प्रसंग के में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति जीवन में चाहे कितनी ही मुश्किलें आए पर अपने आदर्शों से नहीं हटता, वही व्यक्ति जीवन में महान बनता है। सत्य को भगवान का रूप माना गया है। सभी धर्म सत्य अपनाने का उपदेश देते हैं। इस पाठ में एक 9 साल का बालक सत्य के आदर्शों पर चलकर डाकुओं को कैसे भला आदमी बना देता है, उस प्रसंग का निरूपण किया गया है। एक समय की बात छे, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। एक मोटो काफलो बगदादनी बाजू जाई रह्यो हतो। बगदाद ए इराक देशनी राजधानी छे। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। डाकू टूट पड़े यानी कि हमला करना। तो रास्ता में एक काफला ऊपर डाकुओं ने हमलो करयो अने लूटमार करवा लाग्या। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। ए काफला में एक 9 वर्ष नो छोकरो पण हतो। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। ते एक बाजू चुपचाप उभो रहीने आ लूटमार जोई रह्यो हतो। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। एक डाकू की नजर आ छोकरा ऊपर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? कड़क कर बोलना यानी कि कठोरता से बोलना। तो छोकरानी पासे आवीने ए डाकुए कठोरता थी कह्यू, तारी पाछे पण कई छे? लड़का ने कहा, मेरे पास 40 रुपया है। छोकराए शांति थी कही दीधू कि मारी पासे 40 रुपया यानी कि सोना मोहरो, मारी पासे 40 सोना मोहरो छे। डाकू ने चकित हो गया और कहा, क्या कहा? तेरे पास 40 रुपया है? डाकू ने खूबज आश्चर्य थयो ने कह्यू, शू कह्यू? तारी पासे के 40 सोना मोहरो छे? लड़का ने कहा, जी हाँ। लड़काए कह्यू के हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। डाकू छोकरा नो हाथ पकड़ी ने सरदार यानी कि मुखिया एना जे मुख्य नेता हो ये, तो डाकू छोकरा नो हाथ पकड़ी ने सरदार पासे लई गयो। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 रुपया बताता है। डाकुए पोताना सरदार ने कह्यू कि आ छोकरो पोतानी पासे 40 सोना मोहरो बतावे छे। सरदार लड़के से कहा, तेरी असरफिया कहाँ है? सरदारे ते छोकरा ने कह्यू कि तारी सोना मोहरो क्या छे? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफिया निकाली। सदरी यानी कि जाकेट। लड़के ने अपनी सदरी छोकराए पोतानू जाकेट फाड़ी ने तेमा छुपाड़ेली सोना मोहरो निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो सोना मोहरो निकाली। अने एने सरदार नी सामे राखी ने कह्यू कि आजुओ। सरदार ने आश्चर्य से कहा, लड़के असरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? सरदारे नवाई साथे कह्यू कि छोकरा सोना मोरो आवी रीते राखवानो उपाय तने कोणे बताव्यो? लड़का ने कहा, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। छोकराए कह्यू कि मारी माए आने सदरीना अस्तर यानी कि जे अंदरनी बाजूनू कापड़ होय एमा। तो छोकराए कह्यू कि मारी माए आने जाकेटना अस्तरनी अंदर सीवी दीधी हती जेथी करीने तेनी जाण कोईने थाय नहीं। सरदार ने कहा, तो तूने असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया?
સરદારે કહ્યું કે તો પછી આ સોના મહોરોની જાણ તે અમને કેમ કરી દીધી? લડકાને કહા, મેં ઝૂઠ કૈસે બોલતા? છોકરાએ કહ્યું કે હું જૂઠું કેવી રીતે બોલું? મેરી માને કહા થા, બેટા સદૈવ સચ બોલના. મારી માએ કહ્યું હતું કે બેટા હંમેશા સાચું બોલવું. ઝૂઠ બોલના પાપ હે, જૂઠું બોલવું એ પાપ છે. સરદાર ડાકુઓસે કહા, સરદારને ડાકુઓસે કહા, યહ છોટા બચ્ચા અપની માં કા ઇતના કહના માનતા હે કે એસે સંકટ મેં ભી ઝૂઠ નહીં બોલા. સરદારે ડાકુઓને કહ્યું કે આ નાનો બાળક પોતાની માનું એટલું કહેવું માને છે કે તે આવી મુસીબતના સમયે પણ જૂઠું બોલતો નથી. ઓર હમ લોગ બડે હોકર ભી ઈશ્વર કે બતાએ નેક રાસ્તે પર નહીં ચલતે ઓર લૂંટમાર કરતે રહેતે હૈ. અને આપણે લોકો મોટા થઈને પણ ભગવાનનો બતાવેલા સાચા રસ્તા પર ચાલતા નથી અને લૂંટમાર કરતા રહીએ છીએ. સબ ડાકુને કહા, સરદાર વાત તો ઠીક હૈ. બધા ડાકુએ કહ્યું કે સરદાર વાત તો સાચી છે. સરદારને ડાકુઓસે કહા, ઇનકા લૂંટા હુઆ સામાન ઇન્હે વાપસ કર દો. સરદારે ડાકુઓને કહ્યું કે આમનો લૂંટેલો જે સામાન છે એ બધો એમને પાછો આપી દો. ડાકુઓને સબ સામાન વાપસ કર દિયા ઓર આગે કભી લૂંટમાર ન કરને કી પ્રતિજ્ઞા કી. ડાકુઓએ બધો સામાન પાછો આપી દીધો અને આવેથી આગળ કદી પણ લૂંટમાર ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી, એટલે કે લૂંટમાર ન કરવાની એમને કસમ લીધી. સચ બોલને વાલે ઇસ બાલક કા નામ અબ્દુલ કાદિર થા. સાચું બોલવાવાળા આ છોકરાનું નામ અબ્દુલ કાદિર હતું. વ બડા હોકર ય બાલક મહાન સંત હુઆ. બડા હોકર મોટો થઈને આ બાળક એ મહાન મોટો સંત બન્યો. ઉનકી સમાધિ બગદાદ મેં હૈ. તેમની સમાધિ બગદાદ, જે ઇરાક દેશની રાજધાની છે, ત્યાં બગદાદમાં એમની સમાધિ આવેલી છે. વહાં પ્રત્યેક વર્ષ બડી સંખ્યામાં લોક દર્શન કે લીએ જાતે હૈ. ત્યાં દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં એમના દર્શન માટે લોકો જાય છે. પાઠકે શબ્દાર્થ હૈ કાફિલા. કાફિલા યાને કે યાત્રીઓ કા સમૂહ. બગદાદ ઇરાક દેશ કી રાજધાની. લૂંટમાર કરના, લૂંટપાટ કરના, છીના ઝપટી કરના. અશરફિયા સોને કે સિક્કે. સરદાર યાને કે મુખિયા નેતા. આશ્ચર્ય અચરજ. ઉપાય તરીકા ઢંગ. અસ્તર સિલે કપડે કી ભીતર કી તહ. સદૈવ હંમેશા સર્વદા. નેક સહી રાસ્તે સહી ઈમાનદાર. વાપસ કરના લૌટાના. પ્રતિજ્ઞા કસમ સોગંદ. મહાન બહુત બડા. સંત મહાત્મા સાધુ. પીર સંત. સમાધિ મઝાર મકબરા. અભ્યાસે એસા ક્યો કહા. એક, સરદાર કે પૂછને પર લડકેને કહા, મેરે પાસ 40 અશરફિયા હૈ. યાને કે સરદાર કે પૂછને પર લડકેને એસા ક્યો કહા કે મેરે પાસ 40 અશરફિયા હૈ. ક્યુંકિ લડકે કી માને ઉસે હંમેશા સદૈવ સચ બોલને કી સીખ દી થી. ઓર લડકા અપની માં કે સાથ ગદ્દારી કરના નહીં ચાહતા થા, ઇસલિયે ઉસને એસે સંકટ કે સમય મેં ભી ઝૂઠ નહીં બોલા ઓર સરદાર કો બતા દિયા કે મેરે પાસ 40 અશરફિયા હૈ. દૂસરા હૈ, સરદારને ડાકુઓસે કહા, લૂંટા હુઆ સામાન વાપસ કર દો. યાને કે સરદારને ડાકુઓસે એસા ક્યું કહા કે લૂંટા હુઆ સામાન વાપસ કર દો. સરદારને લડકે કી ઈમાનદારી દેખી ઓર ઉસને સોચા કે ઇતના છોટા લડકા અપની માં કી સીખ માનકર ચલતા હૈ ઓર હમ ઇતને બડે હોકર ભી ભગવાન કે બતાએ નેક રાસ્તે પર નહીં ચલતે
और लूटमार करते रहते हैं, इसलिए उन्होंने लूटमार कर न करने की प्रतिज्ञा ली और डाकुओं से कहा कि लूटा हुआ सामान वापस कर दो। दूसरा प्रश्न है, पढ़िए और लिखिए, एटले के वांचो अने लखो। एक, लड़का मेरे पास 40 अशरफिया हैं। दो, आसमान में घनघोर बादल साए हैं। तीन, माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। चार, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। पाँच, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। प्रश्न तीन, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? तो मैं अगर अब्दुल कादिर की जगह होता तो मैं भी अब्दुल कादिर की तरह सच बोलता। प्रश्न चार, पढ़िए और समझिए, यानी कि वांचवानू छे अने समझवानू छे। विरोधी शब्दों यानी कि विलोम शब्द अहियाँ आपेला छे। माँ तो इसके सामने है बाप, बड़ा छोटा, सच झूठ, नेक बेईमान, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, आज कल, पास दूर। प्रश्न पाँच, सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए। जो हमने इस बालक के बारे में जो कहानी सुनी वही कहानी आपका कथन करना है और वही कहानी आपको अपने नोटबुक में लिखना भी है। तो सबसे पहले मैं सच्चा बालक कहानी का कथन करती हूँ। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला यानी कि बड़ा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस काफिले पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 साल का बालक था। वह चुपचाप एक ओर खड़ा रहकर यह लूटमार देख रहा था। तो एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी और उसने पूछा कि तेरे पास भी कुछ है क्या? तो लड़के ने बता दिया कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। यह सुनकर डाकू को आश्चर्य हुआ और वह डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया और सरदार को बताया कि यह लड़का अपने पास 40 अशरफियाँ बताता है। सरदार ने कहा तेरी अशरफियाँ कहाँ है? तो लड़के ने अपनी सदरी फाड़कर उसके अस्तर में छिपी हुई 40 अशरफियाँ निकाली और सरदार के सामने रख दी। तो यह देखकर सरदार को आश्चर्य हुआ और कहा कि अशरफिया को इस तरह रखने का उपाय कैसे बताया? तो उसने कहा कि मेरी माँ ने अशरफिया को जैकेट के अंदर सी दी थी जैसे किसी को पता न चले। तो सरदार ने कहा कि तूने हमें क्यों बता दिया? तो उसने उत्तर दिया कि मेरी माँ ने हमेशा सच बोलने की सीख भी दी थी, तो मैं कैसे झूठ बोल सकता? मैं मेरी माँ के साथ कभी भी गद्दारी करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए उसने ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला और सोना अशरफिया बता दी। लड़के के यह ईमानदारी देखकर डाकुओं और सरदार का दिल पिघल गया और उसने प्रतिज्ञा की कि हम भी आगे कभी लूटमार नहीं करेंगे और भगवान के बताए नेक रास्ते पर चलेंगे। इतने छोटा लड़का अपनी माँ का इतना कहना मानता है और हम भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते हैं। यह समझकर उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने भी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा कर दी। तो यह सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। वह बड़ा होकर महान संत हुआ और उनकी समाधि बगदाद में है और आज भी प्रत्येक वर्ष उनके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। तो दोस्तों, आपको भी यह कहानी अपनी नोटबुक में लिखनी है। अब आगे प्रश्न 6, पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
यानी कि हिंदी दैनिक पत्र का चित्र छपा हुआ है, उसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। दैनिक पत्र का चित्र है हिंदी दैनिक पत्र व अहमदाबाद से रविवार 28 अगस्त 2011 को प्रसिद्ध हुआ है। दैनिक पत्र की हेडलाइन है यानी कि मुख्य समाचार है, वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी की पहली बार स्थापित होगी, स्थापित होने वाली है, इसके बारे में समाचार दिए हुए हैं। वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी। वडोदरा में गणेशोत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। यह समाचार छपा हुआ है, इसके आधार पर आपको प्रश्न के उत्तर देना है। तो प्रश्न एक, अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है? तो अखबार में छपा समाचार 28 अगस्त 2011 को प्रसिद्ध हुआ है। समाचार की हेडलाइन पढ़िए। हेडलाइन यानी कि मुख्य समाचार। तो समाचार की हेडलाइन है वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। प्रश्न नंबर 3, समाचार किसके बारे में है? तो समाचार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। प्रश्न 4, समाचार पत्र के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। समाचार पत्र ना के बारे में आपको और 4 प्रश्न बनाना है, जैसे कि मैं एक बनाती हूँ, ये समाचार किस शहर के बारे में है? तो उत्तर है कि ये समाचार वडोदरा शहर के बारे में है। इसी तरह आपको और 4 प्रश्न बनाना है और उसके उत्तर भी लिखना है। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढिए। समानार्थी यानी कि समान अर्थ वाले शब्द लिखना है। नगर तो उसका समानार्थी शब्द है शहर। बड़ी उसका समानार्थी शब्द है विशालकाय। गणपति यानी कि गणेश। खास यानी कि विशेष। अतिथि तो उसका समानार्थी शब्द है मेहमान। और मूर्ति, मूर्ति का समानार्थी शब्द है प्रतिमा। अब स्वाध्याय, स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, काफिला कहाँ जा रहा था? काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। प्रश्न नंबर 2, बालक की उम्र कितनी थी? तो बालक की उम्र 9 साल की थी। 3, लड़के के पास कितनी अशरफिया थी? लड़के के पास 40 अशरफिया थी। 4, लड़के ने अशरफिया कहाँ रखी थी? लड़के ने अशरफिया सदरी के अस्तर के अंदर रखी थी। 5, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? लड़के की माँ ने उसे सदैव सच बोलने की सीख दी थी। 6, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी।
डाकुओं ने सोचा कि इतना छोटा लड़का जो अपनी माँ की बताई सीख को मानकर चलता है और हम अपने ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते, यह सीखकर उन्होंने भी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली। 7. सच बोलने वाला बालक कौन था? सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। 8. अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? तो अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद, जो इराक देश की राजधानी है, वही शहर में है। तो अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। मुहावरे के अर्थ हैं, 1. टूट पड़ना, यानी कि हमला कर देना। टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है हमला कर देना। तो वाक्य प्रयोग है कि चोर को देखते हुए लोग उस पर टूट पड़े। दूसरा है कड़क कर बोलना, अर्थ है कठोरता से बोलना। वाक्य प्रयोग है कि शिक्षक ने कठोरता से कड़क कर बोला तो छात्र ने अपनी चोरी कबूल कर ली। तीसरा है पता चलना, मालूम होना। वाक्य प्रयोग है कि दुर्घटना के बारे में हमें अखबार से पता चला। 4. नेक रास्ते पर चलना, मुहावरे का अर्थ है अच्छे या सही रास्ते पर चलना। सभी धर्म हमें नेक रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। सही जोड़ मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए, यानी कि एक विभाग में मुहावरा दिया गया है और उसके सामने अर्थ दिए गए हैं, तो हमें सही जोड़ मिलानी है। 1. कड़क कर बोलना, तो इसका क्या अर्थ है? कड़क कर बोलना तो कठोरता से बोलना। घुटने टेकना, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है हार मानना। नेक रास्ते पर चलना, मुहावरे का अर्थ है नेक यानी कि सही रास्ते पर चलना। 4. आँखों का तारा, आँखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। और कान फूंकना, कान में कहना। अब वाक्य प्रयोग भी करना है तो कड़क कर बोलना मुहावरे का अर्थ है कठोरता से बोलना। तो शिक्षक ने कड़क कर बोला तो छात्र ने अपनी चोरी कबूल कर ली। इसी तरह आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है घुटने टेकना तो हार मानना। वाक्य प्रयोग है अंग्रेजों ने गांधी जी के सामने घुटने टेक दिए थे। नेक रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना। वाक्य है सभी धर्म हमें नेक रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। आँखों का तारा, अर्थ है बहुत प्यारा। वाक्य प्रयोग बनता है कि सभी बच्चा अपनी माँ के आँखों का तारा होता है। कान फूंकना, कान में कहना। तो वाक्य प्रयोग है कोई लोग सासू बहू के बारे में कान फूंक कर उनमें झगड़ा करवाते हैं। तो दोस्तों, इस सच्चा बालक पाठ के जीवन प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि हमें भी इस तरह सच बोलना चाहिए और हमें अपने पुस्तकालय से हरिश्चंद्र, गांधी जी, युधिष्ठिर जैसे आदि महापुरुषों के बारे में प्रेरक प्रसंग पर पढ़ना चाहिए।